मैं मुस्तफा बाग की बिरजपुरी की पुलिया पर जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर मैं हूं और यहां महिलाओं की राय जानना चाहता हूं। महिलाएं क्या कहना चाहती हैं, इनकी रात कैसी गुजरी? आपको मालूम है कल की रात में कई जगह पर फसाद हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, गोलाबारी हुई और फायरिंग वगैरह हुई। रात भर माहौल बहुत गर्म रहा, सब जगह लोग जागते रहे। ऐसा ही नहीं कि मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में ऐसा हुआ है, बल्कि नॉन मुस्लिम इलाकों में भी लोग रातों को सो नहीं पाए और एक तरह से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो मैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में महिलाएं बैठी हुई हैं उनसे जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि रात इनकी कैसी गुजरी है, इनके साथ क्या हुआ है और किस किस तरह से की समस्याओं से ये गुजरी हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। प्लस ये जो वहाँ पर रोड पर गए थे अपने प्रोटेस्ट को लेकर के, वहाँ पर रोड जाम किया था यमुना विहार पे, तो उसके बारे में भी मैं इनसे पूछना चाहूँगा। आप बताएंगे कि रात कैसे हालात गुजरे हैं यहाँ पर? सर, हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा था, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी। अब तो महिलाएं कम हैं, अब तो महिलाएं कम हैं। अभी सुबह में महिलाएं चली गई हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता कराना है और अपने जो पुरुष है उनके लिए भी जो घर पर है खाना वाना बनाना है, तो महिलाएं इस टाइम चली गई है, पूरी रात यहीं बैठी हुई है। अच्छा, रात में कोई परेशानी नहीं? जैसे कि रात भर पूरा अफरी तफरी का माहौल दिल्ली के अंदर बना रहा, खास करके मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में और नॉन मुस्लिम इलाकों में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। हमारे जो बाहर भाई खड़े हैं उन पे पथराव हुआ और हमारे बाप भाई जो बाहर खड़े थे उन पे डंडा बरसाए गए और हमने 100 नंबर पे कॉल करा, हमारी कॉल नहीं उठाई गई, हमारे पुलिस से कोई मदद नहीं आई। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, एक वो हर हमारे देश में पुलिस है ना हमारी रक्षा करने के लिए, जब वो ही रक्षा नहीं करेगी तो रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे? पुलिस तो हमेशा सुरक्षा के लिए रहती है, रक्षा करती है। आप सारी वीडियो देखिए ना जो वायरल हो रही है इंटरनेट वगैरह पर, यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए, गोलियां चल रही है और पुलिस वाले आराम से खड़े हैं। आप वही वीडियो देखिए ना जो जामिया पे गोलियां चली थी और पुलिस वाले ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए थे। क्या ऐसे हालात यहाँ भी पैदा हुए हैं? हम परसों जिस दिन देखिए 23 तारीख में भारत बंद था, जिस दिन हम बाहर, जब हम 40 दिन से यहाँ बैठे हुए थे, हमारी आवाज नहीं सुनी गई, कोई हमसे बात करने नहीं आया, कोई भी हमारा पीएम हो या सीएम हो कोई भी यहाँ पर बात करने नहीं आया, तो हम बाहर रोड पर चले गए। हम जा रहे थे संसद राजघाट, हाँ राजघाट जा रहे थे, हम राजघाट जा रहे थे तो हमें बीच में ही पुलिस वालों ने रोक लिया और हमें वहीं शांतिपूर्वक के यहाँ ही बैठो, आप यहाँ अपना धरना प्रदर्शन करो, आप हम आपको सिक्योरिटी देंगे। वो आर्मी वाले खड़े हुए थे वहाँ पर, पूरा दिन ऐसे गुजर गया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था। फिर शाम के टाइम कुछ आरएसएस के लोग आए, पांच बाइक थी और एक रेड कलर की HR नंबर होंडा सिटी गाड़ी थी, होंडा अमेज थी सॉरी, तो उसमें से दो तीन लोग आए, उन्होंने कहा मुल्लियो आओ तुम्हें आजादी देता हूँ, मेरी माँ बहने पीछे नमाज पढ़ रही थी, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। हमारे पास कुछ हथियार वगैरह नहीं थे ना पत्थर थे, हम नहीं हत्ते थे, नमाज पढ़ रही थी मेरी बहने, उधर आर्मी भी साथ थी, आर्मी देख रही थी खुद खड़े होके। यानी कि आपकी नजर में लगता है कि सुरक्षा कर्मी जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कुछ नहीं। एसीपी रात को आया वहाँ, हमने उनसे बोला कि कंप्लेन लिखो हमारी, तो उसने कहा कि थाने आओ तुम सब लोग और तुम्हें भी गिरफ्तार करूंगा साथ में। मैंने उससे बोला कि जिसने वो पत्थर बरसाया तुम उनको तो गिरफ्तार कर नहीं रहे हो, हमें गिरफ्तार कर रहे हो उल्टा। जैसे कि कोई इस तरह का हाथ है, कोई किसी की जान गई इस झगड़े में? बहुत जाने गई हैं। शिव बिहार में इतनी 3-4 लोगों की जाने गई है, चांद बाग में क्या हालत है अभी संख्या पता नहीं चल पाई है कि कितने की जाने गई है। शिव बिहार में 17 नंबर का एक आदमी हमारा भाई रहता है, प्रकार नाम का, 2 बच्चे हैं उसके, उसको मार दिया गो एक ऑन दस, अभी मैयत भी नहीं आई, उनको रात मार दिया। तो उसकी लाश कहाँ? अब पता नहीं कहाँ पे, अब जाएंगे देखेंगे घर से, अभी तो हम यही बैठे सब, पूरी रात हम यही रहे, हम यहाँ से कोई नहीं गया।
तो यहाँ पे कोई परेशानी आप बताएंगे कुछ क्या हालात है यहाँ पे? देखिए हमारे और क्या मांग चल रही है आप लोगों की सरकार से? अब जैसे कि कोर्ट ने भी अब तारीख बढ़ा दी है और माहौल खराब होने पे सरकार तारीख बढ़ा दी है, लेकिन हमें उम्मीद है अपने कोर्ट से बहुत फैसला हमारे हक में आएगा। हम CA NRC NPR के खिलाफ बैठे हैं और हमें ये काला कानून आजादी चलो और हमें 40 दिन हो गए हैं बैठे हुए। कल रात हम लोग अपना बहुत शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट चला रहे थे तो थोड़े से कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कुछ लोग ऐसे होते हैं या खुले लफ्जों में उन्हें RSS भी कह सकते हैं, वो लोग आए और उन्होंने पत्थरबाजी करी। और मैडम मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो है कोई समुदाय का हाथ है या चंद लोगों का हाथ मानते हैं आप? क्या समझते हैं आपके? अम्मा से बात करो सर। अम्मा आप बताएंगे। यहाँ जब हम आए हैं तो अपने हक के लिए बैठे हैं, हक के लिए आए हैं। यहाँ हम लड़ाई झगड़ा थोड़े चाहते हैं, हम अपना हक लेना चाहते हैं। समय हक मिलता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बूढ़े जवान सारे सब बैठे हुए हैं। आज 40 दिन का अरसा हो रहा है, आसपास तमाम हादसे हो रहे हैं, हर जगह चांद बाग में तमाम गोलियां बरसाई जा रही हैं, हमारी कोई मदद तो नहीं हो रही। यहाँ पुलिस आती है तो और पत्थर लोग बरसाते हैं, खड़े खड़े देखती है पुलिस, कोई मदद तो नहीं करती। लेकिन फिर बाद में पुलिस जो आई है तो उन्होंने कहा घबराओ परेशान न हो हम तुम्हारे साथ। ठीक है वो भी सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे पूरी रात हम सुबह 5 बजे पूरी रात हमने डर डर के यहाँ गुजारे। आज सुबह 5 बजे जब आए हैं तो तुम्हारे साथ काली रात थी। अम्मा आप बताएंगे कि जैसे कि दंगा हुआ है तो दंगे में एक समुदाय का हाथ है या चंद लोगों का हाथ है? अब क्या किसी का हाथ होगा? दंगों में बगैर हाथ के कहा आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हाँ। और हम यहाँ पर किसी धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और हम 40 दिन से कोई मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, 40 दिन से कुछ नहीं हो रहा था। और हमने हिंदू मुस्लिम वाला तो मामला नहीं है, नहीं 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 हिंदू भाई हमारे साथ है, हिंदू साथ में रात हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हुए थे, हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। जब हमारे चांद मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। तुम इधर आ जाओ। और हम लड़ाई नहीं चाहते, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी समुदाय से लड़ाई नहीं है, किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो महिलाओं ने बतलाया है कि किसी भी तरह का यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं है और शांति व्यवस्था बनाए रखे, अमन चैन कायम रखे, मुल्क के अंदर अमन चैन की बात कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हमारा जो विरोध है वो सिर्फ CAA और NPR NRC वगैरह का विरोध है, हमारा सरकार से मांग चल रही है, सरकार से एक तरह की लड़ाई बतला रहे हैं। बाकी ये इनका किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, किसी एक समुदाय से झगड़ा नहीं है। इनका कहना यह है कि जो आतंक जो दंगे होते हैं उनका मजहब नहीं होता, आतंकियों का जिस तरह से कोई मजहब नहीं होता, इसी तरीके से इनका भी कोई धर्म नहीं होता। जो दंगा करके माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, अपने क्षेत्र में माहौल बनाकर रखना चाहिए, पुलिस का सहयोग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कानून कहीं जिंदा नहीं, आज भी कानून जिंदा है, कुछ चंद अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो कि लापरवाही कर सकते हैं। अभी हमारी बहनों ने यहाँ पर बताया है, माता जी ने बताया है कि पुलिस वाले आए थे सुबह 5 बजे के करीब और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे और किसी तरह की भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए बुलंद संदेश न्यूज़ पर, हम आपको और भी न्यूज़ दिखाते रहेंगे। क्या कहना चाहती हूँ, जब बजे आए थे लेकिन हमने पुलिस वालों को चांद से ही कॉल करना शुरू कर दिया था। हमारा पॉइंट हमें उम्मीद है कि हमारे पर हमला किया जाएगा, थोड़ा सा ऐसा माहौल बन रहा था क्योंकि चांद बाग में शिव विहार में थोड़ा ऐसा माहौल चल रहा था चांद बाग में, लेकिन पुलिस वालों ने जो हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए था वो प्रोटेक्शन हमें पुलिस वालों ने नहीं दिया है। हमें इस बात से थोड़ा दुख है कि जो जिस पुलिस के लिए हम नारे लगा रहे थे उस पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया जब हमारे साथ होना चाहिए था। जी ये खवातीन कह रही हैं दिल्ली पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया जबकि पुलिस का हम सहयोग कर रहे थे, पुलिस के लिए नारे भी लगा रहे थे और पुलिस से मांग की गई थी।
उधर पुलिस कह रही है कि हम पूर्ण तरीके से आपके साथ हैं, पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अब देखना है कि इनका क्या सहयोग मिलता है, क्योंकि मुस्तफाबाद बिरजपुरी की पुलिया ऐसी जगह पर है जहां पर दोनों साइड में एक साइड मुसलमान एक तरफ नॉन मुस्लिम है, जबकि बताया जा रहा है, आपको फिर बतला रहा हूं कि हिंदू मुसलमान वाला कोई मामला नहीं है। मैंने भी घूम के देखा है क्षेत्र में, कहीं हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं है, सब जगह शांतिपूर्वक है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं, वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं जो दंगा चाहते हैं, यही बात।